India's heaviest launch vehicle, GSLV Mark 3, will launch the prestigious Chandrayaan 2. Chandrayaan 2 is the next leap in technology as we attempt to soft land close to South Pole of Moon. The soft landing is extremely complex and we will experience approximately 15 minutes of terror. भारत के पहले चंद्र अभियान चंद्रयान 1 की अभूतपूर्व सफलता के बाद अब इसरो जुलाई 2019 में जीएसएलवी मार्क 3 M1 द्वारा चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के लिए तैयार है। इसरो द्वारा बनाया गया तीन चरणों वाला ये अत्यधिक भारी प्रक्षेपण यान है। इसकी विश्वसनीयता, विविधता एवं करीब 4000 किलोग्राम तक के भारी पेलोड को ले जा सकने की क्षमता के कारण इसे चुना गया है। करीब 3850 किलोग्राम वजनी चंद्रयान 2 में तीन मुख्य भाग हैं, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को विक्रम तथा रोवर का प्रज्ञान नाम दिया गया है। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने पर चंद्रयान विक्रम को सितंबर 2019 को चंद्रमा की सतह पर धीरे से उतारेगा। उसके पश्चात विक्रम चंद्रमा की सतह पर रोवर को चलने फिरने एवं वैज्ञानिक अनुप्रयोग करने के लिए उतारेगा। रॉकेट 170 बाय 38,500 से अधिक किलोमीटर की पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान 2 को स्थापित कर देगा। इसके बाद कुछ दिनों में एक चरणबद्ध तरीके से 5 बार मोटर फायरिंग से चंद्रयान को 105,242 किलोमीटर की एपोजी वाले कक्षा में पहुँचाया जाएगा। फिर चंद्रयान को लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में पहुंचा दिया जाएगा। यहां से अंतरिक्ष यान को चंद्रमा तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाने के लिए उसकी लिक्विड एपोजी मोटर को फिर से चलाया जाएगा। कुछ दिनों में धीरे धीरे यान को चंद्रमा के करीब 100x100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में लाया जाएगा। ऑर्बिटर इसी कक्षा में रहेगा जबकि विक्रम इससे अलग हो जाएगा और डी बूस्टिंग के पश्चात चंद्रमा की 100x30 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा, जहां अगले 4 दिनों तक वो चंद्रमा की परिक्रमा करेगा। चौथे दिन ऑर्बिटर का OHRC पेलोड दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में सुरक्षित लैंडिंग की उपयुक्त जगह को तलाशने का काम शुरू कर देगा। ऑप्टिकल हाई रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा लिए गए चित्रों को पृथ्वी पर प्रसारित करके प्रोसेस किया जाएगा। उसके पश्चात लैंडिंग साइट के मानचित्रों को विक्रम में अपलोड किया जाएगा और फिर नीचे उतरने की शुरुआत होगी। विक्रम पहले चंद्रमा की सतह से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ेगा और फिर धीरे धीरे चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ेगा। चंद्रमा की सतह पर विक्रम के उतरने के बाद रोवर प्रज्ञान को उतारा जाएगा। प्रज्ञान अपना संचार संपर्क स्थापित करके बाहर निकलेगा। इसके पश्चात प्रज्ञान एवं विक्रम के पेलोड को कार्यान्वित किया जाएगा और चंद्रमा की धरती का चित्रण, खनिज एवं रासायनिक तत्वों की उपलब्धता, चंद्रमा के बाहरी वातावरण एवं हाइड्रोक्सिल आयंस तथा पानी बर्फ के अवशेषों के बारे में वैज्ञानिक सूचनाएं एकत्रित की जाएंगी। ऑर्बिटर का जीवन काल लगभग 1 साल है और विक्रम और प्रज्ञान का जीवन काल चंद्रमा का 1 लूनर डे है, जो कि पृथ्वी के लगभग 14 दिनों के बराबर है। ये चंद्रमा की सतह के अभी तक अनजान अनछुए पहलुओं एवं प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास है। इसके साथ ही भविष्य में चंद्रमा की सतह का उपयोग करके सौर तंत्र एवं उसके और आगे खोज करने की दिशा में और आगे जाने का प्रयास भी है। इस अभियान से भारत अपनी अंतरिक्ष तकनीकी कौशल एवं मानवता के प्रति अपने वचन को एक बार फिर से सिद्ध करेगा।